अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सारी सुहेल। मैं नदीम खान। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जायका मियां भाई पे। तो आज हमारा ब्लॉग का सीन बना था, तो हमने सोचा कि नॉनवेज खाएंगे। तो नॉनवेज अगर आप दिल्ली में रहते हो और आपके दिमाग में आया कि आपको नॉनवेज खाना है, तो उसके लिए आप पहुँचोगे तो जो आपको माइंड में आएगी थी ना, वो आएगी दिल्ली से जामा मस्जिद। तो अब आगे देख सकते हो आप कि हम यहाँ जामा मस्जिद आ चुके हैं। ये हम जामा मस्जिद आ गए, तो जामा मस्जिद हम पहुँच चुके हैं। और आज का जो हमारा प्लान है, आज हम खाने का बना, आज हमारा नहारी खाने का बने, और वो भी आज हम एक स्पेशल जगह पे, यहाँ की फेमस जगह पर अल जवाहर पर, बहुत पुरानी शॉप है, वहीं चलते हैं, बताते हैं वहीं के उनसे बात करते हैं कि वहाँ पे क्या फेमस है और क्या अच्छा है। तो मटन नहारी खाएंगे, वैसे तो हमने सोच के आए थे मटन नहारी खाएंगे, बाकी वो कुछ बता देंगे अपना, वो भी खाएंगे, बताएंगे, वो भी ऑर्डर कर देंगे। तो चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या है क्या नहीं है। तो आओ चलो खाते हैं। अल जवाहर तो है 1948 से, 70 साल हो गए। तो मतलब अल जवाहर नाम कैसे पड़ा है? प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इस होटल का उद्घाटन किया था, उनके नाम से होटल का नाम रखा था। मतलब मैं तो यहाँ काम करता हूँ, जो अभी हमारे जो प्रेजेंट में ऑनर है ना, उनके ग्रैंड फादर ने बोला। यहाँ तो आइटम में बहुत सारी हैं, बस कस्टमर के टेस्ट की बात है क्या पसंद है। जैसे आप नहा स्पाइसी आइटम बहुत गर्म, मसाले इसमें बहुत गर्म होते हैं, सारी रात बनती है। तो हम यहाँ आ चुके हैं अल जवाहर, बेटे की तरह की तरह जैसे कि आपने सुना ही होगा, कब्बा हमारे वाली जो 1948 में अप्रोक्सीमेटली 72 ईयर्स हो चुके हैं, 72 ईयर्स हो चुके हैं। और यार इतना पुराना टेस्ट बरकरार रखना, और कोई टेस्ट कोई मसाले, जैसे कि अभी आपने देखा होगा स्टार्टिंग में कि सेम वही टेस्ट, पूरी रात बनती है ये, पूरी रात से मसाले डालते, बहुत गर्म होती है, गरम मसाले डालते हैं, गाजर मसाले डालते, काफ़ी गर्म होते हैं, रात बनाई जाती है, उसके बाद ये सब जाते हैं। तो देखते हैं अब नहारी हमारी आती है, हमने नहारी के साथ मंगाया है चिकन स्टू, चिकन स्टू हमने एक एडिशनल के लिए मंगाया है, बाकी मटन नहारी टेस्ट करने के लिए आया। तो देखते हैं कि वो जो टेस्ट 70 साल का जो टेस्ट था वो आज भी यहाँ पर है या नहीं। तो मिलते हैं अपने ऑर्डर के बाद। तो भाई ले आए हमारा ऑर्डर चिकन स्टू और चिकन नहारी, बड़ी सही लग रही है यार। ये स्टू हमारा, और ये हमारी नहारी जिसके लिए हम इतनी दूर से आए हैं। तो ये आ गई हमारी वो रोटी, देख रहे हो साइज तंदूरी रोटी का, एकदम गरम गरम ताज़ा ताज़ी। चलो करते हैं, देखते पहले भाई जिसके लिए आए हैं वो खाते हैं हम अपनी मटन नहारी। नदीम भाई यार सच में देखने में काफ़ी स्पाइसी लग रही है हमारी नारी, तो हमेशा की तरह हमारे नदीम भाई सर्व कर रहे हैं। बम्बू है ये भाई, इसमें देखा जाए तो मैंने जिंजर अदरक और मिर्च वगैरह के टॉपिंग्स है, ऊपर से सर्व किया उसके साथ, और टोस्ट जो है काफ़ी लजीज लग रहा है। और एक चीज़ और, हम मियाँ भाई जहाँ भी जाते हैं नॉनवेज रेस्टोरेंट में, कहीं पर हम नॉनवेज खाते हैं तो हम हलाल का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि व्यूअर्स आपको पता है हमारे लिए हलाल खाना कितना इम्पॉर्टेंट है, और एक मुस्लिम के लिए हलाल खाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम अगर कहीं पे चिकन खा रहे हैं तो वो 100% हलाल होता है, ठीक है। तो जहाँ हम चिकन खा सकते हैं तो आप ही वहाँ खा सकते हैं यार, बेहतरीन लाजवाब माशाल्लाह। नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नहीं माशाल्लाह वल्ला। नहारी मसाले है ना, नहारी एक्चुअली नहारी मेरे ख्याल से 4-5 घंटे दम होती है, तब जाए टेस्ट बनता है।
पत्ती है वो अच्छे थे, उसके मसाले जो थे बहुत हैवी मसाले थे नहारी के। जैसे उन्होंने बताया था कि रात भर बैठ कर मसाले बनाते हैं करते हैं, तो वो मेहनत नज़र आ रही है, तो नज़र भी आई, नज़र भी आ जाएगी और टेस्ट में भी आ रही है वो मेहनत। तो मसालों का टेस्ट वाकई में लग रहा है कि हाँ इनके अपने मसाले हैं सारे क्या बनाए ना, क्वालिटी क्वालिटी जो क्वालिटी है ये तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। वैसे भी दिल्ली चेन है ना, कोई भी रेस्टोरेंट टेस्ट के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, कोई भी रेस्टोरेंट दिल्ली चेन दिल्ली से मशहूर किसी है जामा मस्जिद का खाना उनकी सर्विस का पर्सनल होता हूँ। 30 तारीख है जैसे मैं यही बैठा हूँ, 15 तारीख कर रहा हूँ, एक बंदा खड़ा हुआ है हमारे पास, सीधा नहीं है अभी तक। अगर वो हमें जो चीज़ चाहिए होगी यहाँ पर ला देते जिसे कहते हैं ब्रांड, ये 70 सालों से 70 सालों से ऐसे ही नहीं चल रहा। हाँ कुछ बात है, कुछ क्वालिटी है, कुछ सर्विसेज है जिसकी वजह से आज तक ये है, वरना ऐसे कितने आए कितने चले गए, और ये आज भी 70 साल से वैसे का वैसे ही। अब बारी भाई स्टू की, चिकन स्टू, और चिकन स्टू की बात करें तरी जो रोगन है, और हाँ एक चीज़ और, यहाँ का जितना भी खाना बनता है वो डालडा घी मिलता है सारा सारा टोटली नॉन वेज आइटम इन डालडा घी, और ये ऊपर ही तैर रहा है इसके स्टू का, और इसका जो बोटी का पीस है वो भाई देख लो पीस है भाई चिकन का जी, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो चिकन स्टू ट्राई करते हैं, मसाले बोल दिया भाई मजा बन गया भाई, दिमाग में ना बोलने से ज्यादा ना टेस्ट चल रहा है इसका भी टेस्ट है ना भाई साहब, तो भाई हमारा बिल आ गया भाई, बिल आया हमारा, और बिल देखें तो बिल आया है हमारा 446 का, और 446 का बिल आया है, 446 का कौन सा गया, और हमारी नहारी थी 200 की, और जिसमें 3 मंदिर आराम से खा सकते हैं, बहुत ही आराम से, और चिकन सूट हमारा 205 रुपये का, जिसमें भी 3 मंदिर बहुत ही आराम से खा सकते, उसका उसकी बोटी इतनी बड़ी थी मैं क्या ही बता, इतनी बड़ी बोटी थी, चिकन बड़ा हाथे पीते घर का और तंदूरी रोटी 200 रुपये की, टोटल हमारा बिल है 446 का। ठीक है 5 बंदे खा लेंगे, इन दो डिशेज में 5 बंदे आराम से खा लेंगे, आराम से बिल्कुल प्यार से हंस के खा लेंगे यार दो बंदे, तो ठीक है यार क्वान्टिटी क्वालिटी तो बता ही नहीं सकते, क्वालिटी तो हमने बता ही दिया तुम्हें खाते थे कितनी तारीफ, तारीफ क्वालिटी एकदम बेस्ट है, हाँ अलग ही लेवल की। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और घंटे दबाने ना भूलना ताकि आने वाली हमारी किसी वीडियो आ रही है सब्सक्राइब होना मित्रों को देखता नेचर बंद हो रहा है, तो सब्सक्राइब कर देना भाई, कर दे ना मतलब कर दे ना यार, और ये जो हटा ना जिस बात को घंटा दबा देना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम।